अब चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम जो 8 है वह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, 2x/3 प्लस का 1 बराबर 7x/15 प्लस का 3। ठीक है, तो बच्चों x x वाले हम इधर ले आते हैं, 2x/3, 7x/15 को हम इस तरफ लाएंगे, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, 7x/15 बराबर 3 और 1 कितने, प्लस का 3 है, 3 एक इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे 3 और 15 दिए गए हैं, इनके हम एलसीएम ले लेते हैं, इधर पेंसिल से साइड में ले लेते हैं, 3 और 15 का 3 एकम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 5 है 15, फिर 5 से करेंगे, 1 का 1 5 एकम 5। ठीक है, अब इनका गुणा करते हैं, 3 × 5 बराबर 3 × 5 = 15, कितना आ गया इनका एलसीएम, 15। तो नीचे हम लाइन खींचेंगे और इधर लिख देंगे 15। अब देखो बच्चों, नीचे वाले का तो भाग करते हैं और ऊपर वाले का गुणा करते हैं, तो पहले ऊपर वाला लिखते हैं 3x, 2x, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर नीचे वाले का भाग करेंगे, तो 3 × 5 = 15, कितनी बार गया, 5 बार, इधर लिख देंगे माइनस का चिन्ह, फिर ऊपर वाला उतारेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 15 का 15 में भाग देंगे, तो 15 एकम 15 बराबर, 3 में से 1 गए तो कितने बचे, 2। अब देखिए, 2 में 5 का गुणा किया तो 10x, 5 × 10, ठीक है, माइनस 7 में 1 का गुणा किया तो 7x/15 बराबर में 2। देखो बच्चों, 10x में से 7x गए तो कितने बचे, 3x/15 बराबर में 2। ठीक है, अब 15 इधर भाग कर रहा है, बराबर के इस तरफ आएगा तो गुणा करेगा, है ना, तो इधर रह जाएगा 3x/2 × 15, तो इधर हो जाएगा 3x/15 में 2 का गुणा करेंगे तो 15 × 30। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा इधर मैं करके बता देती हूँ, अब देखो 3 इधर x के साथ में गुणा कर रहा है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो भाग करेगा, तो x बराबर हो जाएगा 30/3, तो 30 × 3 = 30, 10 बार चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10। x का मान हमारा कितना आ गया बच्चों, 10। अब हम उत्तर की जांच करते हैं, तो उत्तर की जांच के लिए बच्चों पहले हम अपना प्रश्न लिख लेंगे, क्या था, 2x/3 प्लस का 1 बराबर 7x/15 प्लस का 3। अब x का मान हमारा कितना था बच्चों, 10 था, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 10 लिख लेंगे, तो 2 × x की जगह 10/3 प्लस का 1, 7 × x की जगह 10/15 प्लस का 3, तो 10 में 2 का गुणा किया तो 20/3 प्लस का 1 बराबर, 7 में 10 का गुणा किया तो 70/15 प्लस का 3। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब इन दोनों का भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 3, और इसके बटे में भी कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 15। आप चाहें तो देखो इस तरह से करके देख सकते हैं, 3 और 1 का, तो 3 एकम 3 एक ही आया है ना, 1 का 1 रहेगा, इसी तरह से 15 और 1 का करते हैं, 15 और 1, तो 3 × 5 = 15, फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5। ठीक है, तो 3 में 5 का गुणा करेंगे, 3 × 5 बराबर कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 15 लिख दिया। अब देखो ऊपर वाले का गुणा करते हैं और नीचे वाले से भाग देते हैं, तो ये बच्चों ये मिटा लेना, ये रफ कार्य है, ठीक है, ये आप फेयर कॉपी मत करना, ये पीछे कर सकते हो कहीं भी, तो 20 लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, अब नीचे वाले का भाग देंगे, 3 एकम 3 एक बार गया प्लस का चिन्ह, फिर 1 लिखेंगे, नीचे वाले का भाग देंगे, तो 1 में 3 का भाग जाएगा 3 बार,
इसी तरह से यहाँ करेंगे, ऊपर वाला लिखेंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 15 एकम 15, प्लस का चिन्ह 3 × 1 का भाग 15 में लेंगे तो 15 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20, प्लस 1 का गुणा 3 में करेंगे 3/3 बराबर, 70 का गुणा 1 में करेंगे तो 70, प्लस 15 का गुणा 3 में करेंगे 15 × 3 = 45/15। अब जोड़ते हैं 20 और 3 23/3 बराबर 70 और 45, तो देखो ये हो गया 5 7 और 4 11/15, ठीक है। तो अब देखो इधर कितना आ गया 23/3। अब 15 का भाग 115 में देते हैं कि 23/3 आता है कि नहीं आता। तो वैसे तो तीन वैसे किससे ज़्यादा है, 5 के पहाड़े से भी ज़्यादा। देखो 5 3 देखो ये 5 3 15, अब 115 में 5 का भाग दूँ, 5 का 5 1 5 5 2 10, 11 में से 10 गए तो 1 बचा, फिर 15 5 3 15 कितना बचा 23, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 23, तो आ गया 23/3 और इधर भी आ गया 23/3। तो आप लिख सकते हो 23/3 = 23/3, यानी कि LHS = RHS, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों यह वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।